असलम जी क्या हाल चाल है वही देखिए सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे वो लोग जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वो लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच आज की जो वीडियो है वो है जनाब आइज़ के ऊपर क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फेस के ऊपर बात कर ली बालों के ऊपर बात कर ली हाथों के ऊपर कर ली पाओं के ऊपर कर ली बॉडी के ऊपर कर ली सब कुछ कर लिया और सिर्फ आंखों की बात नहीं करते और सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है इग्नोर होने वाला पार्ट भी यही है सबसे ज्यादा सेंसिटिव भी यही पार्ट है आपके फेस के ऊपर और सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाला पार्ट भी यही है ठीक है आपकी आंखों के ऊपर डाक हैं या आपकी आंखों पे रिंकल्स पड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए वीडियो आपने एंड तक देखनी आपको एक चीज मैं, मैं करने वाली हूँ एक और चैनल ओपन और आईडी चाइडी बना ली है काफी अर्ज से बना के रखी हुई थी बस माइंड में था कि क्या करूं मैं करूँ आईडी बस बनाऊ फटाफट से आईडी बन गई फिर मैं बैठी रही होगा मैं डालूंगी छोटे मोटे से व्लॉग्स इसके अलावा आ, कोई दिल की बात कभी होता है कि मैं आपसे ना बात करना चाह रही होती हूँ बट क्योंकि ये चैनल मेरा एहसास है तो मैं इस पर ठीक से बात नहीं कर पाती हूँ मैं जस्ट टू दी पॉइंट बात की और अब बात खत्म हो गई सो so, कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं यार कितना बोलती है अब मेरी बोलने की आदत है तो भाई क्या करूँ मैं बोलूँगी ना चैनल पर आ गए यहाँ पर आ गए, मैं चुप करके ऐसे गुन्नू बन के तो नहीं ना आपको बताऊँगी कि ऐसा तो नहीं कर सकती ना बताऊँगी एक्सप्लेन करूँगी तभी होगा ठीक है तो वो जो सारी मेरी भड़ास होती है ना बोलने की जो आदत होती है वो मैं निकालूंगी उस चैनल के ऊपर ठीक है सो अगर आपको देखना है कि असल मुकदस कौन है उसके अंदर वाली मुकदस को रहा है तो आपको मेरा वो वाला चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा वो मैं बनाऊंगी जब और इंस्टाग्राम के ऊपर मैं उसका लाजमी बता दूंगी आप लोगों को सो so, इंस्टाग्राम पे भी अगर फॉलो करना हो आप लोग कर लेना वहां पे अपडेट्स चलती रहती हैं ठीक है तो जल्दी से करते हैं वीडियो स्टार्ट इससे पहले कि लोग फटाफट यहां पर बोलना शुरू कर दे कि यार कितनी बातें करती है जिसने बातें सुननी होंगी ना वो मेरा दूसरे चैनल पर जाएगा ठीक है सेंसिटिव पार्ट की आंखों के ऊपर है जनाब आइज दूसरी जो चीज है वो है नेक सबसे ज्यादा हम लोग इग्नोर भी इन्हीं चीजों को करते हैं फेस वॉश किया नेचुरली आपके ना मतलब मेरी खुद की आदत है मैं वॉश कर रही हूं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ आंखों को भूल जाऊंगी कुछ भी कर रहे हैं आंखों को भूल जाएंगे हा नेक को कुछ लोग होते हैं कि नेक का भी ख्याल करते हैं बट अब हंड्रेड परसेंट श्योर हंड्रेड में से टू परसेंट हो गए जो थोड़ा बहुत ना ध्यान रखते होंगे कि आईज का क्या आंखों पर भी कुछ करना है ठीक है तो ये है है कि जी डार्क सर्कल्स है, और दूसरी जो चीज है वो कहते हैं कि रिंकल्स आ गए अभी हमारी एज इतनी नहीं है लेकिन रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं और आंखों से ही आपकी एज का अंदाजा भी लगाया जाता है ठीक है और आंखों से ही धोखा भी होता है चीजें बताऊंगी वो आप लोग फॉलो करो ठीक है मैं भी वही करती हूँ वैसे कोई डार्क सर्कल्स का इशू नहीं है बट जो चीज मैंने आपको डार्क सर्कल्स है, है, दोनों की जो चीजें ना तो इससे दोनों मसले आपके हल हो जाएंगे पहली बात कि नींद पूरी करें देखिए आठ घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर हम लोग सबसे सुनते हैं ठीक है और ये वाकई में ही ऐसा है देखो होता क्या है कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती आप सारा दिन चिड़चिड़े रहते हो ठीक है नींद पूरी नहीं हो रही है नींद पूरी नहीं हो रही है चिड़चिड़े भी हो रहे हो आपकी वैसे ही ना सिर्फ आंखें इफेक्ट होती है बल्कि आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है ठीक है मेरी तो इस तरह की होती है कि जब चिड़चिड़ी हो जाओ नींद ना पूरी हो रही हो तो मेरी तो यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है नेक के ऊपर मुझे पता चल जाता है कि भाई मैं थकावट की मारी हुई हूं मुझे अब अपनी नींद पूरी करनी है सो नींद जो है ना वो आपने लाजमी पूरी करनी है इसके अलावा डाइट अच्छी रखनी है जी वो रखनी है सभी कहते हैं सबको पता है जब भी फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर लगाते हो क्यों लगाते हो देखो हम कि जी अगर आपकी स्किन के ऊपर आप चाहते हो कि रिंकल्स ना पड़े तो मॉइस्चराइजर अच्छा लगाओ हाइलेटोनिक एसिड लगाओ रिंकल्स से बचने के लिए ठीक है ड्राइनेस से बचने के लिए जब स्किन ड्राई होगी तो क्या होगा रिंकल्स जल्दी आएंगे जब स्किन ड्राई होगी तो स्किन डल हो जाएगी काली गाली से लगना शुरू होगी तो सेम इज द केस विद योर आइज ठीक है अब देखो हम उसके ऊपर ना मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं ना हम उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा रहे हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं सिर्फ पानी से उसको धो रहे हैं ठीक है कुछ लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ऐसा नहीं कर रही अब हमने करना क्या है हमने ये करना है कि हमने अपनी रूटीन बनानी है कि हम लोगों ने मॉइस्चराइज़र जो है वो अपनी आँखों पे भी लगाना है पहली जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगी वो क्या है कि मेरे पास है ये लोरियल की है हाइलोनिक क्या है एक्सपर्ट आई क्रीम ठीक है ये मैं कोई लास्ट टू मंथ से ऑलमोस्ट यूज कर रही हूँ सो so, इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड सी अमाउंट में ये लगानी है आपने आंख के ऊपर मैं अभी पहले आपको बता देती हूँ आपने लगानी कैसे है। क्या है कि आपने ना तकरीबन लेना है जनाब इतनी लेनी है अमाउंट इतना सा आपने लेना है इस क्रीम को हल्का हल्का सा इस तरह से किया ठीक है दोनों फिंगर्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया अब आपने करनी है अपनी आंख बंद थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे ठीक है ज्यादा चिप चिप करने की जरूरत नहीं है आंख बंद करो बंद करके ना आपने ने इस तरह से करना है अब हो सकता है आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो ठीक है आँखों की तो हो सकता है आपकी जो मॉइस्चराइजर की अमाउंट है ये जो आई क्रीम है वो ज्यादा लगे सो उस हिसाब से है कि आपने आराम आराम से अब ऐसे से करके ना इसको स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करना है अब आप ये देखो कि मैं जब इसको इस तरह मसाज करी मेरी आंखें खिंच नहीं रही हैं जैसे कुछ लोग होते हैं ऐसे ऐसे ना करना शुरू होने नो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना ठीक है इससे आपके रिंकल्स नहीं भी पड़ने तो वो भी पड़ेंगे ये इनवर्ड इस तरह से ठीक है हल्के से हाथ के साथ आपने करना है बस इसको छोड़ देना है क्या देखो आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहेगी ठीक है जब आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी उस पर ड्राइनेस नहीं होगी तो डेफिनेटली रिंकल्स भी नहीं आएंगे रिंकल्स भी उससे भी जान छूट जाएगी और दूसरी क्या चीज है कि आप लोगों की जो स्किन ड्राई हो के डल और काली लगना शुरू हो जाती है वो भी फिर क्या होगा लाइटन अप हो जाएगी तो डेफिनेटली जब मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के लिए जो वर्क करता है वही मॉइस्चराइजर आपकी आंखों के लिए भी काम करेगा अब नंबर वन है कि अगर आपको ये फैंसी चीज लेनी है कि जी आई क्रीम है तो आई क्रीम सिर्फ आई क्रीम के लिए है इसके अलावा कुछ नहीं लगा सकते आप आंखों पर आपको ये लेना है तो आप बेशक ले लो लेकिन अगर नहीं लेना तो जो सिंपल मॉइस्चराइजर आप फेस के ऊपर लगा रहे हो वही मॉइस्चराइजर आप आंखों पे भी लगा सकते हो ठीक है लेकिन तरीकेकार यह है कि आंखों पे बहुत सॉफ्ट हैंड्स के साथ इस तरह इस तरह से लगाना है खींच के ना आप लगा रहे हो इस तरह से आपने लगाना है ठीक है इससे एक तो आपकी रिंकल्स जो है वो भी नहीं आएंगी मतलब आएंगी तो सी डेफिनेटली नेचुरल एक प्रोसेस है बट ये कि डिले हो जाती है दूसरी जो तो चीज़ है वो ये है सन ब्लॉक की हम लोग फेस के ऊपर लगा लिया सारा कुछ लगा लिया लेकिन आइज पे नहीं लगाते जिस तरह से छोटी सी अमाउंट मैंने बताई है ना कि आपने आईक्रीम की लेनी है इसी तरह से आपने थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेके थोड़ा सा सन ब्लॉक लेके उसको इस तरह से लगा के और आपने आँख पर हल्का हल्का सा बस लगा देना ठीक है आपका मॉइस्चराइजर भी हो गया आपका सन ब्लॉक भी हो गया अभी मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक जो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना बाकी फेस को वही प्रोटेक्शन आपकी आंखों को भी मिलेगी एंट्रस्ट में आप एक काम करो सिर्फ और सिर्फ आप हफ्ते डेढ़ के अंदर देखोगे डिफरेंस कि आपको अपनी आंखें जो है वो हेल्दी और प्ल्पी से लगना शुरू हो जाएंगी वो लोग जिनकी आंखें वो कहते हैं ना हमारी आंखें खिंची खिंची लगती हैं अजीब सी अंदर अंदर गई भी लगती हैं वो सारे मसले इससे हल हो जाएंगे ओके अब ऐसे लोग जो कि कहते हैं हमने मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाना वो भी लगा के देखा हुआ है या हम आई क्रीम भी नहीं लगाना चाहते तो आप लोग क्या कर सकते हो आप लोगों ने है कि लेना है बादाम का तेल एक चम्मच उसमें आधी चम्मच आपने क्या डालना है ई ई ई ई का ऑयल 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 ठीक है अब ले लो या फिर जो e के जो के कैप्सूल्स होते हैं वो हाफ आपने चम्मच क्या लेना है वाइटामिन ई e का उनको अच्छे से मिक्स करके बना के रख लो इससे ज्यादा क्वांटिटी में ना बनाइएगा क्योंकि वैसे भी जो चीज जितनी फ्रेश हो उतनी ज्यादा अच्छी होती है बट ये इतनी क्वांटिटी होगी तो मेरा ख्याल आपका आराम से महीना निकाल जाए क्योंकि काफी होती है आपने बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके लगाना होता है <laughs> इस तरह इस तरह करके लगाना होता है ठीक है अच्छा अब ये मिक्स किया उसको अच्छे से मिक्स करके आपने रखना है थोड़ा सा ये मिक्सचर लिया जो ऑयल का मैंने बताया आपको इस तरह से लेके आपने लगाना है ताकि स्किन स्किन के के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए ऊपर भी ना रहे और आप इरिटेट भी ना हो चिप सी फेस पे हो गई है ऐसे भी ना हो स्किन के अंदर बस आपने एब्जॉर्ब करना है ऑयल ना सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं बल्कि इनकी प्रॉपर्टीज में ये भी है कि आपकी स्किन को लाइटन भी करते हैं ब्राइटन अप भी करते हैं ठीक है आपकी स्किन का जो कलर टोन है उसको लाइट करेगा यही अगर आमंड ऑयल आप फेस के ऊपर लगाओगे डेफिनेटली वो आपकी स्किन को भी ब्राइट करेगा आपकी स्किन का जो कलर थोड़ा सा डल हुआ है ना उसको भी ब्राइट कर देगा ठीक है उसको भी आई I मीन mean, लाइट कर देगा और इसी तरह साथ साथ वो मॉइस्चराइजर का भी काम करेगा सो आज से आपने क्या करना है आपने अपनी करनी है रूटीन चेंज उसमें आप लोगों ने मॉइस्चराइजर जो लगाना है बेशक मॉइस्चराइजर लगा लो आंखों के ऊपर कोई वैसा नहीं है थोड़ा सा लगा लो बेशक आप मॉइस्चराइजर अगर नहीं लगाना चाहते आई क्रीम करना चाहते हो एड अपने रूटीन के अंदर तो आई क्रीम कर लो इट्स टोटली अप टू यू लाइक तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी इंफॉर्मेटिव लगी होगी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा इसके अलावा मेरे दूसरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें